हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करेंगे ब्रेन टीजर चैप्टर 8 पॉलिनोमियल्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल ए पार्ट और इसके 5 सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस पी डिविजिबल बाय x माइनस 2 इज। तो आपने पी की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जो है वो x माइनस 2 से डिविजिबल हो। तो p को किसी चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं कैसे। जैसे मान लो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस, मान लो p को अगर पुट कर दिया जाए 10 और डिवाइड किया जाए x माइनस 2 से। तो एक्स स्क्वेयर को x डिवाइड करेगा x, x इंटू x इज एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x। तो ये माइनस ये प्लस, सो दिस इज कैंसल्ड। 5x प्लस 10, 5x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्लस 5, 5 इंटू x इज 5x, 5 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10। तो ये बना माइनस लेकिन ये बना प्लस, तो ये कैंसल। लेकिन 10 प्लस 10 क्या आया 20। तो p की जो वैल्यू 10 है ये तो हो नहीं सकती, राइट। तो ये ऑप्शन तो हो गए नेगलेक्ट। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, अब मैं माइनस 10 लेकर चेक करता हूं। सो वी विल डिवाइड इट बाय x माइनस 2। एक्स स्क्वेयर को x डिवाइड करेगा तो x आएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x। ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसल एक्स स्क्वेयर का प्लस का और माइनस का। 3x प्लस 2x बना 5x माइनस 10। 5x को x डिवाइड करेगा प्लस 5, 5 इंटू एक्स इज 5x, देन 5 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10। ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल एंड जीरो। इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो जीरो आ गया। और अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब कि पी की वैल्यू जो है वो माइनस 10 आएगी। तो आपने सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, सॉल्यूशन सेकंड पार्ट पी इज इक्वल टू माइनस 10। तो अगर पी की वैल्यू माइनस 10 हो जाए तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस पी, तो प्लस पी की जगह क्या लिखा माइनस 10, दैट विल बी डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2। तो आपका आंसर है पी इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसका बी पार्ट, बी पार्ट में बोला गया कोशेंट ऑब्टेन्ड बाय व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो आप इसको चाहो तो फैक्टर मेथड से कर लो, अगर आप चाहो तो इसको लॉन्ग डिवीजन से कर लो, राइट। मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से करता हूं एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इसने कुछ नहीं बोला कि फैक्टर मेथड करना है कि क्या। 7x माइनस 4, तो लॉन्ग डिवीजन से करूंगा x प्लस 7। तो एक्स स्क्वेयर को x डिवाइड करेगा तो x आएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, x इंटू प्लस 7 इज प्लस 7x। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, सो एक्स स्क्वेयर कैंसल, 7x ऑफ प्लस एंड 7x ऑफ माइनस कैंसल एंड इट इज माइनस 4। ये क्वेश्चन ही लॉन्ग डिवीजन से होगा, ये फैक्टर मेथड से नहीं होगा। अब ये जो माइनस 4 है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री है जीरो। और आपको बताया गया था कि अगर रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए तो डिवीजन आगे नहीं हो सकती। तो हम डिवीजन को यही रोकेंगे। तो उसने क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि क्या कोशेंट मिलता है कि अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 4 को एक्स प्लस 7 से डिवाइड करें तो क्या मिला कोशेंट एक्स। तो आप इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर क्या देंगे, पार्ट नंबर 1 एक्स, हमें क्या कोशेंट मिला एक्स। अब सी पार्ट, सी पार्ट में बोला गया पॉलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस
गिव्स अ कोशेंट दिस एंड रिमाइंडर दिस. आपको वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसको अगर इससे डिवाइड करें, और तो जिससे डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइजर हुआ, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है. तो इसका मतलब आपको जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसे बोलेंगे डिविडेंड, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और उसे क्या बोलेंगे डिविडेंड. और ये किसके बराबर आएगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो डिवाइजर की वैल्यू क्या है, डिवाइजर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू कोशेंट, कोशेंट एक्स माइनस टू प्लस रिमाइंडर इज थ्री. अब माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई करेगा एक्स माइनस टू को, फिर प्लस का एक्स जो है वो मल्टीप्लाई करेगा एक्स माइनस टू को, फिर माइनस का वन जो है वो मल्टीप्लाई करेगा एक्स माइनस टू को, और प्लस थ्री वैसे का वैसा ही लिखेंगे. अब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू इज प्लस टू एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू एक्स इज प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू माइनस टू इज माइनस टू एक्स, दिस इज माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस इन प्रोडक्ट इज प्लस टू प्लस थ्री. अब आप देखो एक्स क्यूब की सिर्फ एक ही टर्म है जो कि माइनस एक्स क्यूब, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर इज प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स माइनस एक्स इज माइनस थ्री एक्स, प्लस थ्री प्लस टू इज फाइव. अब आप ऑप्शंस में देखो माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव कौन सी ऑप्शन है, तो ये है ऑप्शन नंबर टू. तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे ऑप्शन नंबर टू, दैट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डी पार्ट. डी पार्ट रीड करते हैं. सो दिस इज व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ अ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि एक्स माइनस थ्री जो है वो उसका फैक्टर बन जाए. इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इनफैक्ट इसका फैक्टर है नहीं, राइट. सो हिट एंड ट्रायल से करेंगे. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस थ्री से, यहीं से आइडिया लगेगा. एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करें तो एक्स, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस थ्री इज माइनस थ्री एक्स, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स इज माइनस टू एक्स प्लस फोर, माइनस टू एक्स को एक्स से डिवाइड करो माइनस टू, माइनस टू इंटू एक्स इज माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस थ्री इज प्लस सिक्स. तो यहां प्लस आएगा और यहां माइनस आएगा, माइनस का टू एक्स प्लस का टू एक्स कैंसल, तो माइनस सिक्स प्लस फोर क्या आ गया माइनस टू. अगर यहां पर जीरो आ जाता तो x माइनस थ्री जो है वो इसका फैक्टर हो जाता. यहां पर जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें प्लस टू कर दूं तो ये x माइनस थ्री जो है वो इसका फैक्टर बन जाएगा. मतलब मैं प्लस टू कर रहा हूं. तो उसने पूछा था कि इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड किया जाए कि x माइनस थ्री उसका फैक्टर बन जाए, तो हम क्या बोलेंगे टू ऐड किया जाए. तो ऑप्शन क्या होगी, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बुक में दे रखी है टू, राइट. अब अगर आपको लगे कि ये होगा सही कि नहीं तो चेक कर लो,
एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, फोर में टू ऐड कर दो सिक्स, अब इसको डिवाइड करके देखो x माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वायर को x डिवाइड करेगा x आएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस थ्री इज माइनस थ्री एक्स, ये माइनस और ये प्लस, दिस इज कैंसल्ड, माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स इज माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, माइनस टू एक्स को x डिवाइड करेगा तो माइनस टू आएगा, माइनस टू इंटू एक्स इज माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस थ्री इज प्लस सिक्स, ये बना प्लस, ये बनेगा माइनस, ये देखो बन गया ना जीरो। तो अगर ये जीरो बन गया तो इसका मतलब x माइनस थ्री जो है वो इसका फैक्टर बन गया, और ये जीरो कब बना, जब आपने डिविडेंड में टू ऐड किया, तो ऑप्शन इसकी जो है वो टू होगी, तो आप आंसर ये लिख चुके हैं ऑप्शन सेकेंड दैट इज टू। अब करते हैं ई पार्ट, ई पार्ट में क्या बोला गया क्वेश्चन में देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस सो दैट एक्स माइनस फिफ्टीन इज अ फैक्टर ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस थर्टी, आप इसको किससे डिवाइड कर रही हो, x माइनस फिफ्टीन से, तो एक्स स्क्वायर को x डिवाइड करेगा x आएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस फिफ्टीन इज माइनस फिफ्टीन एक्स, माइनस एंड प्लस कैंसल, माइनस एक्स प्लस थर्टी, माइनस एक्स को एक्स डिवाइड करेगा तो माइनस वन आएगा, माइनस वन एक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स, माइनस वन माइनस फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करेगा प्लस फिफ्टीन, तो ये प्लस बना और ये माइनस बना, दिस इज कैंसल्ड, थर्टी माइनस फिफ्टीन इज फिफ्टीन। अगर यहां पर जीरो होता तो x माइनस फिफ्टीन इसका फैक्टर होता, तो यहां जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 15 माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर थ्री, और ऑप्शन नंबर थ्री है 15, राइट। तो अगर यहां पर 15 इसका आंसर है, उसने पूछा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, अब आपको चेक करके दिखा देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में से 15 माइनस करूं तो 30 माइनस 15 कितना बनता है, प्लस 15, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा किसके साथ, एक्स माइनस फिफ्टीन के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स डिवाइड करेगा एक्स आएगा, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस फिफ्टीन इज माइनस फिफ्टीन एक्स, माइनस एंड प्लस कैंसल, माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स इज माइनस एक्स प्लस फिफ्टीन, माइनस एक्स को x से डिवाइड करें तो माइनस वन आएगा, माइनस वन इंटू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस वन इंटू माइनस फिफ्टीन इज प्लस फिफ्टीन, तो ये प्लस बना और ये माइनस बना, तो आंसर क्या आ गया, जीरो, इसका मतलब x माइनस फिफ्टीन इसका फैक्टर होगा, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, 15। सो दीज वर द सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट कैपिटल ए, ए टू ई सब पार्ट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द फाइव सब पार्ट्स, थैंक यू।